आधारताल सुहागी की परशुराम कॉलोनी के रहवासी तेंदुए की सक्रियता से दहशत में है। बीते शनिवार से तेंदुआ शिकार की तलाश में इलाके में घूम रहा है। कॉलोनी के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में तेंदुआ कैद हुआ है, जिसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इलाके में तेंदुए की सक्रियता बनी हुई है। आधारताल सुहागी की परशुराम कॉलोनी में एक तेंदुए की सक्रियता से भय का माहौल बना हुआ है। कॉलोनी के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में तेंदुआ कैद हुआ है, जिसके बाद रहवासी दहशत में हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि शिकार की तलाश में तेंदुए की सक्रियता लगातार कॉलोनी के आसपास बनी हुई है। रोजाना तेंदुआ किसी न किसी जानवर का शिकार कर रहा है। ऐसे में पूरी कॉलोनी में भय और दहशत व्याप्त है। वन विभाग की टीम स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के बाद क्षेत्र में सक्रिय हुई है, लेकिन वन विभाग ने तेंदुए को रेस्क्यू करने कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। शनिवार के दिन रात 11 बजे के आसपास की बात है, करीब 11:06 पर हमारे घर में सीसीटीवी लगे कैमरे में तेंदुआ कैद हुआ है। साइटिंग करता हुआ वो यहाँ बाजू के प्लॉट से आया और यहाँ विचरण करता हुआ अपने शिकार की खोज में घूमता हुआ थोड़ा देर रुक कर आसपास का माहौल देख के अपना शिकार देख के यहाँ उससे जब कुछ नहीं मिला तो इस तरफ से जाते हुए चला गया आगे तरफ। वन विभाग की टीम आ रही है पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तेंदुआ आए दिन घूम रहे हैं, सुबह भी शाम भी। किसी बच्चे को अगर कुछ कर दिया तो वन विभाग सरकार क्या कर रही है, कोई ध्यान ही नहीं देते है। दिक्कतें हो रही है, सरकार क्या कर रही है, सब दहशत में है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा, ना बच्चे खेल पा रहे हैं। हाँ तो परसों के दिन निकला था तेंदुआ, तो यहाँ से ऐसे निकला है सामने से और ऐसे आया। आज सुबह किसी कारोबार से हम लोग कहीं गए थे तो बच्चों ने देखा कि दिन में निकला है 9:30-10 बजे करीबन ये सामने से और निकल के इस तरफ गया है। सुहागी जबलपुर सुहागी परशुराम कॉलोनी में 3 दिन से यहाँ अशांति फैली हुई है और यहाँ पे देखा जा रहा है कि रात में तेंदुआ घूम रहा है और एक दो कुत्तों का भी शिकार किया हुआ है। इससे यहाँ के लोग थोड़ा दहशत में बने हुए हैं, तो इसके लिए अनुरोध करते हैं प्रशासन से कि यहाँ पे कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं की जाए उसके बारे में। बताया जाता है कि परशुराम कॉलोनी के आसपास जल का एरिया और खुले हुए खेत हैं, जिसके कारण यहाँ तेंदुए की आवाजाही और सक्रियता बनी हुई है। लोगों ने वन विभाग से तेंदुए को रेस्क्यू करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।